हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में, और आशा करता हूं कि आप सभी काफ़ी मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक स्पेशल डीएड वालों का जो केस हुआ था अभी रिसेंटली, उसकी कल सुनवाई थी, तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। कोर्ट का जो ऑर्डर शीट आई है उसमें क्या चीज़ें मेंशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक्चुअली लॉ का लैंग्वेज जब यूज होता है किसी चीज़ में, उसको समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी समझ तो आप सभी भी गए होंगे और देख भी चुके होंगे, बट चलिए डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, ये जो मामला था ये था स्पेशल डीएड वाले कैंडिडेट, जो स्पेशल डीएड किए गए थे उनके डीवी में रिमार्क लिस्ट में दिया गया था और उनको बाहर कर दिया गया था, तो जिसकी वजह से ये पहुंच गए कोर्ट भाई, और कोर्ट गए तो कोर्ट में सुनवाइयां हुई काफी सारी, और उसी का ऑर्डर शीट आया जिसकी 19 तारीख को, मतलब कल थी हियरिंग, और ऑर्डर शीट आज अपलोड हुआ। तो पहली चीज सुनते हैं इसमें, जो ये केस था, ये केस है पूरा ललिता कौशिक, किसका है, ललिता कौशिक वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये केस का नाम सुन लीजिए पहले, ललिता कौशिक वर्सेस चंडीगढ़ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों का ये केस है। और बात करें इसमें अप्लीकेंट्स कौन है, अप्लीकेंट्स मैं फिर कर समझाया था आपको कि जैसे मान लीजिए इसको अप्लीकेंट्स भी बोलते हैं, अपीलेंट्स भी बोलते हैं, लेकिन अप्लीकेंट्स जनरली ज्यादा सूट करता है। अब अप्लीकेंट्स जैसे मान लीजिए मैंने केस किया तो मैं अप्लीकेंट्स हो जाऊंगा इसमें, तो अप्लीकेंट्स की तरफ से जो एडवोकेट सर थे वो थे विवेक सलाथिया सर थे एडवोकेट साहब, ये एप्लीकेंट की तरफ से थे, मतलब जिसने ये ललिता कौशिक ने जो केस किया था इनकी तरफ से थे। बाकी रेस्पॉन्डेंट्स मुकेश कौशिक, रेस्पॉन्डेंट्स कौन हो जाता है, रेस्पॉन्डेंट्स का मतलब ये है कि जैसे चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, जब आप रेस्पॉन्डेंट्स और एप्लीकेंट्स अच्छे से समझ जाते हैं तो चीजें आपको और क्लियर हो जाती हैं। तो अब आगे की बात करें कि इसमें इसकी जो नेक्स्ट डेट है, ठीक है, इसकी नेक्स्ट हियरिंग कब है, ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसकी सुनवाई तो लगभग हो चुकी है, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट डेट मिली है हियरिंग की, वो मिली है, कब मिली है, 7/10/2024, मतलब 7 अक्टूबर 2024 को इसकी नेक्स्ट डेट मिली है। अब आगे बात कर लेते हैं ऑर्डर शीट की, कि ऑर्डर शीट में क्या चीजें मेंशन है, क्या चीजें ऑर्डर शीट में लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो पहली चीज जो लिखी है, रेस्पॉन्डेंट सीक्स एंड अलाउड 2 weeks to file written statement, मतलब respondents seeks and allowed 2 weeks to file written statement। सीधी सी मतलब है कि भैया कोर्ट ने क्या किया है कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद जो respondents है, ठीक है, जो respondents हैं उनको क्या किया कि उनको allow किया कि आप अपना एक लिखित statement, एक written statement आप submit करिए, reply दीजिए इसका, ठीक है, मतलब रेस्पॉन्डेंट्स को इसकी अनुमति मिल गई है कि हमें 2 हफ्ते का समय दीजिए और उस 2 हफ्ते के समय में हम एक लिखित चीजें रिटन स्टेटमेंट देंगे उसमें, ठीक है, जो भी हमारा बयान होगा, जो भी हमारी चीजें होंगी, हम उसको लिखित फॉर्म में देंगे, रिटन स्टेटमेंट देंगे उसका, पहली चीज ये थी। हम आगे देखते हैं, अब अप्लीकेंट्स की तरफ से क्या कहा गया, मतलब ये तो रेस्पॉन्डेंट्स हो गया कि भैया रेस्पॉन्डेंट ने कहा कि भैया हमको 2 हफ्ते का समय दे दीजिए, हम इस पर रिटन स्टेटमेंट देंगे, ठीक, ये रेस्पॉन्डेंट्स ने बोल दिया। अब एप्लीकेंट क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। तो एप्लीकेंट इसमें कहता है कि मैटर ऑफ एप्लीकेंट्स इज कवर्ड बाई जजमेंट ऑफ हॉनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट 16/9/2009, मतलब ये कहते हैं कि जो ये कोर्ट केस है भैया, ये जो एप्लीकेंट्स का, जो भी एप्लीकेंट्स, जो भी स्पेशल डीएड वाले हैं जिन्होंने ये केस किया है, इनका जो केस है ये किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत कवर्ड होता है, वो एक जजमेंट था, कहां का जजमेंट था, दिल्ली हाईकोर्ट का, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट का, जो कि 16/9/2009 का एक जजमेंट था, ठीक है, यहां समझिए कि 16/9/2009 का ये जो केस है किसका, ललिता कौशिक वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ये कवर्ड मतलब इसके अंतर्गत आता है, एक दिल्ली हाईकोर्ट का मतलब जजमेंट था, जो कि जिस जजमेंट का नाम क्या था, अ सिविल राइट्स ग्रुप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब सीधा सा मतलब यह है कि एप्लीकेंट्स कहता है भैया कि ये जो केस है ये दिल्ली हाईकोर्ट के अंडर कवर होता है, मतलब उसके अंतर्गत आता है, एक निर्णय सुनाया गया था, जजमेंट आया था, जिस जजमेंट का नाम है अ सिविल राइट्स ग्रुप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली सरकार वर्सेस किसके, अ सिविल राइट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ इस जजमेंट के साथ साथ एक और जजमेंट था, जजमेंट ऑफ कैट, ठीक है, ये 16/8/2022 का मामला था, जजमेंट ऑफ कैट, जिसका नाम था लीमा रानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। तो
सीधा सा मतलब इतना समझिए कि जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने कहा कि भैया ये जो केस है ये एक दिल्ली हाई कोर्ट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जो कि केस का था 16/9/2009 का, इसके अंतर्गत आता है उसके जो जिसका नाम है अ सिविल राइट ग्रुप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। उसके साथ साथ एक और जजमेंट आया था कैट के थ्रू जो 16/8/2022 का मामला था जिस केस का नाम था लीमा रानी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये था केस, एप्लीकेंट्स ने ये कहा। अब उसके नीचे जो लाइन लिखी है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। उसमें कहा गया कि अब जो रेस्पोंडेंट्स हैं प्रतिवादी, मतलब सीधी सी बात है कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट या अपना जो भी जवाब है वो जो भी रिप्लाई है उसको आप दे सकते हैं नेक्स्ट हियरिंग जब तक होनी है। तो नेक्स्ट हियरिंग कब दी गई है? 7/10/2024 को नेक्स्ट डेट मिला हुआ है। और उसमें एक देखेंगे ये लाइन सबको बहुत कंफ्यूज कर रही, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द ओए करके जो लिखा हुआ है इसका मतलब सीधा सा मतलब यही है कि देखिए आप जॉइनिंग दे सकते हो, आप अपॉइंटमेंट भी दे सकते हो। ठीक, अगर चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहेगा और कोर्ट का जजमेंट अगर उनके फेवर में आया तो आप अपॉइंटमेंट भी दे सकते हो, आप उनको मतलब उनका सिलेक्शन भी हो सकता है, वो पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन जो भी इसका डिसीजन जो फाइनल जजमेंट आएगा कब, वो 7/10/2024 को हो सकता है आ जाए या उसके बाद आए, तो उसके अधीन होगा। उसके अधीन का मतलब है कि जो भी इसका फाइनल डिसीजन आएगा वो सब पर अप्लाई होगा। तो यही है सारी चीजें, बाकी ये दिखे होंगे हर कोर्ट केस में लिखा हुआ आ रहा है कि जो, और जनरली ऐसा ही होता है केवीएस में भी, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि उनके ऑफर लेटर में लिख के आता है कि भैया जो ये केस नंबर है और इसका जो भी फाइनल आउटकम होगा वो आप पे अप्लाई होगा, उसी के अनुसार आपकी जो वैकेंसी है या उस पर आप पर एक्शन लिया जाएगा। ये था मामला पूरा। आई होप तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ललिता कौशिक वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या था, जो कोर्ट की ऑर्डर सीट आई थी। सीधा सा मामला एक और बार मैं रिवाइज कर देता हूं समरी के रूप में। भैया जो रेस्पॉन्डेंट्स हैं कोर्ट ने उनको क्या किया कि जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की, भैया आपको 2 हफ्ते का समय दिया जाता है और आप एक रिटन स्टेटमेंट जो भी आप देना चाहते हैं वो आप रिप्लाई दे सकते हो, आपको अलाउ किया जाता है। उसके बाद जो एप्लीकेंट्स था वो कहता है कि ये जो मामला है, ये जो केस है, ये दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक जजमेंट आया हुआ था जिसका नाम था, ये मामला था 16/9/2009 का, जिसका नाम था सिविल राइट ग्रुप वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। और उसके साथ साथ एक और जजमेंट था जो कि 16/8/2022 था, जो कि कैट के अंदर जजमेंट ऑफ कैट था, लीमा रानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो इसके अंतर्गत आता है। और इस और जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो चाहे तो अपना रिप्लाई इस पर दे सकते हैं, उसको देख के जो भी केसेस हैं उसके अनुसार अपना रिप्लाई दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और इनको समय दिया जाता है नेक्स्ट डेट जो कि हियरिंग की है 7/10/2024 तक। यही मामला है। बाकी जो आउटकम वाला है वो मैंने बता दिया आपको कि जो भी अपॉइंटमेंट्स, मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट हो भी जाता है तो अगर उसका फाइनल जजमेंट आता है तो वो आप पे अप्लाई होगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड जरूर करूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।